हेलो हाय नमस्कार एंड दिस इज़ आवर बीएड डिटेलिंग चैनल एंड माय सेल्फ नंदिनी प्रियदर्शन दा एज यू नो कि हम लर्निंग असेसमेंट के ऊपर कुछ कुछ कंसेप्ट को डाल रहे हैं तो 1.3 से हमने इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट को बाय कंबाइंड वे कंप्लीट किया था। आफ्टर दैट एग्जामिनेशन मेजरमेंट टेस्ट ये पॉइंट्स भी है बिकॉज इवैल्यूएशन बहुत बिगर पॉइंट था एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है तो मैंने दे दिया बट ये सारे शॉर्ट नोट्स हैं तो शॉर्ट नोट्स के अकॉर्डिंग मैंने प्रिपेयर कर लिया एंड आपको 1 by 1 समझाते जाऊंगी। सो ये पॉइंट है टेलीग्राम ग्रुप चेक कर लेना वहाँ पे नोट्स अवेलेबल होंगे। सो एग्जामिनेशन जो पॉइंट है उसे देखते हैं। एग्जामिनेशन क्या होता है? कोई भी एक सिस्टम में जब आप किसी चीज़ को मेजर करना चाहते हो तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं। दीज पैरामीटर्स आर जस्ट लाइक एग्जामिनेशन। ये एग्जामिनेशन वन काइंड ऑफ जजमेंट के लिए होता है कि आप किसी भी पर्सन को कैरेक्टर वाइज जज कर सकते हो। दैट मे बी ए क्वालिटेटिव वे और इन क्वान्टिटेटिव वे। सो क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव डिटर्मिनेशन के लिए ये एग्जामिनेशन है। ओके, सो एग्जामिनेशन का पॉइंट एक बहुत बिगर पॉइंट के अंदर आता है, दैट इज़ द इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन इज द बिगर पॉइंट एंड एग्जामिनेशन इज द स्मॉलर पॉइंट। एग्जामिनेशन छोटा पॉइंट है, एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन के अंदर आता है। ठीक है, सो इट रिफ्लेक्ट्स द चेंजेस टेक्स प्लेस इन डिफरेंट डोमेन्स। तो नॉर्मली अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टेक्सोनॉमी यू नो दैट वेरी वेल, टू जज ए पर्सन यू नीड सम कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर एंड दिस बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू डोमेन वुड बी ऑब्जर्व वेरी मच फास्टर वे। ओके, सो हम फास्टर वे में अगर चेक करना चाहते हैं कि कॉग्निटिव इफेक्टिव और साइकोमोटर क्या है तो उस चीज़ को अगर जज कर रहे हो तो अल्टीमेटली आप कोई भी पर्सन का कैरेक्टर जज कर लेते हैं। तो ये तो हम जानते हैं ऑलरेडी, ये पॉइंट्स क्लियर हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं। सो एग्जामिनेशन का इवोल्यूशन देखते हैं, इवोल्यूशन ऑफ एग्जामिनेशन। नॉर्मली जो इवोल्यूशन हुआ था दैट मीन्स इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम द एग्जिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन बींग्स ऑन अर्थ। जब अर्थ में एग्जिस्ट करने लगे हम लोग तब से ही ये स्टार्ट हो गया। द इंडियन माइथोलॉजी, अकॉर्डिंग टू इंडियन माइथोलॉजी इट ऑल्सो रिप्लेट इज ऑल्सो इंडियन माइथोलॉजी रिप्लेट करता है या फिर बताता है रिप्लेट विद द इंस्टांस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल पावर्स। दैट मीन्स उस पीरियड में क्या होता था ना, अकॉर्डिंग टू रामायण महाभारत या तक्षशिला के अकॉर्डिंग अगर 150 BC टू 180 BC देखते हैं या नालंदा 450 AD से लेके 850 AD का पॉइंट को देखते हैं तो उस पीरियड में आपको पता चलेगा कि पर्सन्स मतलब मेल, सो मेल्स यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते थे। दे आर वॉरियर एंड दे ट्राइड ए लॉट टू जॉइन द आर्मी और जॉइन द टोटल रॉयल सिस्टम। तो रॉयल सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए वो बहुत ही अच्छे से वर्क करते थे या फिर दे एक्टिवली एंगेज इन इट। सो उनका जजमेंट जब किया जाता था तो एग्जामिनेशन आ गया। तो एग्जामिनेशन उनके जो गुरुज रहते थे वो करते थे थ्रू द इंटेलेक्चुअल और फिजिकल पावर को जज करके। तो इसके बाद नेक्स्ट आया तो हम बोल सकते हैं कि ये जो एग्जामिनेशन है तो ये इनसेपरेबल पॉइंट्स है अकॉर्डिंग टू द इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू। कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ या तक्षशिला नालंदा या फिर माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग, जैसे हमने देखा वरियर हैं वहाँ पे उनको जज किया जाता है बहुत अच्छे से। आप कर्ण को जानते हैं तो सूर्यपुत्र कर्ण, उनको बहुत बड़ा दक्षिणा भी देना पड़ा था तो उसके अकॉर्डिंग क्योंकि वो सुतपुत्र थे तो इसलिए ये सब हुआ। तो ये सारे थिंग्स को आप माइंड पर रखते हुए थिंक कर सकते हैं जो उस टाइम पर एग्जामिन होता था वही है कि वन काइंड ऑफ कॉम्पोनेंट बन गया। धीरे धीरे एजुकेशन सिस्टम में ये कॉम्पोनेंट बन गया। ये कॉम्पोनेंट हम अभी एक्सेप्टेड करते हैं, वेल एक्सेप्टेड बाय अस एज अ पैरामीटर ऑफ एजुकेशन सिस्टम के पैरामीटर्स बच्चों के एक्सेलेंस को जज करने के लिए होता है कि बच्चा कितना एक्टिव है इस पॉइंट पे या नहीं। अभी नेक्स्ट आता है फीचर, एग्जामिनेशन फीचर देखते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स आर गिवन द सेम टास्क टू परफॉर्म सेम टाइम। यहाँ पे बच्चों को एग्जामिनेशन जब आप लेते हो हाफ ईयरली हो या सेमिस्टर हो या फिर एनुअल एग्जाम हो तो एक ही क्वेश्चन पेपर रहता है या एक ही पैटर्न में सबको क्वेश्चन सेम दिया जाता है परफॉर्म करने के लिए एक ही टास्क को। देन स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू कंसल्ट रेफरेंसेस और इन्फॉर्मेशन सोर्स वाइल परफॉर्मिंग द टास्क। जब टास्क बच्चे करते हैं उस टाइम पर और किसी से बात नहीं कर सकते या
रेफरेंस नहीं कर सकते या इंफॉर्मेशन को या सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उसको देख नहीं सकते. स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू कंसल्ट वन अनदर, दैट मीन्स कीप साइलेंट इन द क्लासरूम वाइल एग्जामिनेशन. एग्जामिनेशन के टाइम पे आपको चुप रहना है एंड मेंटेन रखना है अपना साइलेंस को एंड उसके अकॉर्डिंग किसी के साथ भी हम कंसल्ट नहीं करेंगे. स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू एक्सपीरियंस एट लीस्ट सम सेंस ऑफ स्ट्रेंथ एंड अर्जेंसी वाइल परफॉर्मिंग द टास्क. स्टूडेंट को एक्सपेक्ट किया गया है, स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू एक्सपीरियंस एट लीस्ट सम सेंस ऑफ स्ट्रेस. बच्चों को कुछ सेंस का स्ट्रेस भी मिलता है बिकॉज एग्जामिनेशन एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे टेंशन होती है बच्चों को एंड अर्जेंसी दैट इज़ अ इमरजेंसी रहता है उनको कि ये टास्क को कैसे भी करके कंप्लीट करना है. वी वांट टू परफॉर्म दिस टास्क, दैट मीन्स लॉट ऑफ प्रिपरेशन शुड बी टेक्स प्लेस और लॉट ऑफ should be taken place by us in the proper manner in the previous day before the exam. Otherwise, we are failed in the exam and we are just like exhausted. तो ऐसे हो जाता है. एडवांटेज क्या है एग्जाम्स के? सेल्फ एनालिसिस होगा, बच्चे खुद से खुद को एनालिसिस कर सकते हैं. सेल्फ एनालिसिस ओन एबिलिटीज को जज कर सकते हैं. विद एग्जामिनेशन ए पर्सन इज एबल टू नो हिज लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एंड नॉलेज. बच्चे खुद से भी जान सकते हैं उनका परफॉर्मेंस क्या है, लेवल क्या है, बाय चेकिंग देयर स्कोर कार्ड और बाय चेकिंग देयर रिजल्ट्स एटसेट्रा. टूल फॉर लर्निंग एंड वर्किंग, ये वर्किंग एंड लर्निंग के लिए एक बड़ा सा टूल है. बच्चों को इनक्रेज करता है, लोगों को भी इनक्रेज करता है, लर्निंग करो वर्किंग करो सो दैट एग्जामिनेशन में अच्छा रिजल्ट आएगा. थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, स्पिरिट ऑफ कंपटीशन. दस लाइक दैट्स द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन. हम बोलते हैं ना, कब बोलते हैं? जब हम मोटिवेटेड हो जाते हैं. सो बींग ए मोटिवेटेड पर्सन, सो जब आप कोई भी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हो तो वो आप क्या करते हो, बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं. तो ये आपके पर्सनल एबिलिटी को और भी ज़्यादा बढ़ाता है, मोटिवेट करता है एंड आपको एक मैंशन करता है एक पॉइंट कि आपको बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है, टू डू बेस्ट. डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी एंड कॉन्फिडेंस. लोगों के अंदर स्पिरिट ऑफ कंपटीशन और रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ एनालिसिस कि बच्चे कितना एक्टिव हैं, आप कितने एक्टिव हो एंड आपके अंदर वो स्पिरिट कॉन्फिडेंस या फिर पर्सनालिटी को बिल्ड करता है कि जस्ट लाइक आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसा टाइप का. द डेवलपमेंट ऑफ वंस पर्सनालिटी एंड कॉन्फिडेंस. सो कॉन्फिडेंस के बाद अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, स्कॉलरशिप एंड अवार्ड्स. जस्ट लाइक गुड परफॉर्मेंस, इफ़ यू डू सम गुड परफॉर्मेंस और इफ़ यू डिड सम गुड परफॉर्मेंस इन द पास्ट वर्क, देन यू गेट डेफिनेटली अवार्ड और रिवार्ड फ्रॉम योर हायर अथॉरिटी और द हायर मेंबर ऑफ द एजुकेशन सिस्टम और एनी वर्क के जो भी लीडर होंगे आपको रिवार्ड देंगे. गुड फ्यूचर, गुड ग्रेड्स ट्रांसलेट इन टू बेटर जॉब प्लेसमेंट एंड रेमुनेशन. दैट मीन्स आपको अगर परफॉर्मेंस आप बेस्ट करते एवरी पॉइंट पे, देन आपको जॉब भी अच्छा मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग रेमुनेशन दैट मीन्स द फीस या फिर सैलरी बोल सकते हैं वो भी अच्छा मिलता है. नेक्स्ट चलते हैं एग्जामिनेशन में और क्या होता है. जस्ट लाइक एग्जामिनेशन एंजाइटी इज गुड, समटाइम्स एग्जामिनेशन एंजाइटी इज गुड. एंजाइटी क्यों रहता है? बिकॉज ड्यू टू एग्जामिनेशन इज गुड, इट इज़ नेसेसरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ. ये आपके पार्ट का लाइफ है. आप चाहते हो क्या हो? ऑलवेज वी ट्राई टू मेक आवर रिजल्ट वेरी गुड और मेक आवर पेरेंट्स टू बी प्राइड ऑन योर सेल्फ. जस्ट लाइक दैट ऐसे थिंग जब करते हैं तो द ऑकरेंस ऑफ एग्जामिनेशन प्रिपेयर स्टूडेंट टू गेट यूज टू द प्रेशर ऑफ एग्जामिनेशन. ये बच्चों को जब प्रिपरेशन के लिए ठीक करता है देन वो प्रेशर के ऊपर वर्क करता है एंड मेंटेलिटी में बहुत ही ज़्यादा बच्चे स्ट्रॉन्गर बन जाते हैं, अदरवाइज बहुत प्रेशराइज हो जाते हैं. एंड वेन दे गो आउट टू वर्क दे आर एबल टू विदस्टैंड द प्रेशर ऑफ देयर कैरियर. सो जब वो वर्क पर भी जाते हैं अगर एग्जामिनेशन का डर रहा तो कैरियर में भी वही प्रेशर के साथ जाते हैं. ह्यूज अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ रहता है एंड उस टाइम पर वो कभी कभी नर्वस हो जाते, दे फेल क्रम्बल्ड एंड समटाइम्स फेल्यूर भी होता है. तो सिंगल एग्जामिनेशन मल्टीपल स्टूडेंट, एक एग्जामिनेशन है बट मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं. सो वन कैन जज द प्रोग्रेस ऑफ मेनी स्टूडेंट एट वंस बाय होल्डिंग सिंगल एग्जामिनेशन फॉर ऑल. सिंगल एग्जामिनेशन के थ्रू भी हम एट ए टाइम बहुत बच्चे को जज कर सकते हैं, उनके प्रोग्रेस को जज कर सकते हैं, राइट? अभी नेक्स्ट चलते हैं, इजी डिटेक्शन ऑफ टीचिंग फ्लॉज. अभी एग्जामिनेशन ऑल्सो मेजर्स ए टीचर स्किल्स. बच्चों का तो हमने प्रोग्रेस जाना बट टीचर स्किल्स को भी हम जज कर सकते हैं. इफ़ ए टीचर परफॉर्म ए वेरी गुड
वेरी गुड देन उसका परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू हिज और हर परफॉर्मेंस द टीचर स्किल्स डिफाइंस दैट स्टूडेंट विल बी स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स इन द एग्जाम विदाउट दैट टीचर स्किल्स जस्ट लाइक टीचर ने जो भी पढ़ाया वो भूल जाएगा या फिर वो उसको याद नहीं रख पाएगा या फिर उसको बार बार समझाना पड़ेगा ऐसे होता है तो डिफरेंट वेज में ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है राइट अभी नेक्स्ट चलते हैं डिसएडवांटेज क्या है एग्जाम का सोर्स ऑफ स्ट्रेस एंड प्रेशर समटाइम्स सम पीपल्स आर बर्डेंड विद द स्ट्रेस विद द ऑनसेट ऑफ एग्जामिनेशन कभी कभी एग्जामिनेशन आने से बच्चे बहुत स्ट्रेस्ड हो जाते हैं प्रेशराइज हो जाते हैं और उनका परफॉर्मेंस भी बहुत टाइम खराब हो जाता है विद प्रेशर हेल्थ प्रॉब्लम एग्जामिनेशन ऑल्सो लीड टू वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम जस्ट लाइक हम रात को सोते नहीं हैं या फिर पढ़ते रहते तो हेडेक आएगा ड्यू टू प्रेशर नॉजिया आएगा जस्ट लाइक हमें फील आएगा कि हमें वोमिट होने वाला या फिर मुझे स्लीपलेस डिसऑर्डर बोल सकते हैं या स्लीपलेसनेस बोल सकते हैं जस्ट लाइक मुझे नींद नहीं चाहिए ऐसा लूज मोशंस होते हैं वोमिटिंग होते हैं एटसेट्रा लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस समटाइम्स फेल्यूर इन एग्जाम लीड्स टू लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर मेनी सबके लिए ये प्रॉब्लम होता है कभी कभी वो जो चाहते वो होता नहीं है इसके थ्रू आप क्या करते हैं धीरे धीरे अपना मोटिवेशन को लूज करते हैं द टेंडेंसी ऑफ सुसाइड फेल्यूर इन एग्जामिनेशन सो एग्जामिनेशन में अगर फेल्यूर हो गया तो हर्बर्स दैट इज लेके आता है क्या खींच के लाता है लो सेल्फ एस्टीम बच्चों के अंदर जो एस्टीम है कि मैं और कुछ नहीं कर सकेंगे या कुछ नहीं कर पाऊंगा दैट्स द पॉइंट कि लो सेल्फ एस्टीम के थ्रू टेंडेंसी ऑफ सुइसाइड आएगा कि सुइसाइड अभी हो जाएगा या फिर हम मर जाएंगे या फिर हमें जीना नहीं चाहिए हमें मर जाना चाहिए दैट्स बेटर फ्रॉम रिजल्ट ये रिजल्ट से बेटर होगा ऑप्शन इसे सिलेक्ट करते हैं ब्रेकिंग ऑफ कंपेनियनशिप कभी कभी होता है ना कंपिटेटिव पॉइंट्स पे जब देखते हो एग्जामिनेशन में सेम पीयर्स हैं जस्ट लाइक हम फ्रेंड्स हैं गुड फ्रेंड्स हैं वी आर गुड फ्रेंड्स बट फॉर सम रीज़न जब एग्जामिनेशन में हमने गए एंड वन इज सिलेक्टेड फॉर अपर लेवल एंड अनदर वन इज नॉट सिलेक्टेड देन वी थिंक दैट उसने चीटिंग किया या उसका कुछ लफड़ा चल रहा है एंड जस्ट लाइक दैट हम क्या करते हैं फ्रेंडशिप तोड़ देते हैं बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं एग्जाम्स आर फॉर्मलिटी एग्जाम्स क्या है वन काइंड ऑफ फॉर्मलिटी है स्टूडेंट्स आर अनेबल टू आइडेंटिफाई द रियल पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन सम स्टूडेंट्स जो भी पढ़ाई करते हैं बट उनको पता नहीं चलता है कि ऑलवेज गुड मार्क्स अच्छे हैं या बुरे हैं या फिर नॉलेज अच्छा है या बुरा है तो उनके मन में ये कन्फ्यूज़न आता है कि एक्चुअली पर्पस क्या है एग्जामिनेशन का फॉर देम पासिंग देयर एग्जामिनेशन इज़ ए फॉर्मेलिटी एंड उनके लिए क्या होता है कि ओनली पास हो जाए ये बेटर है और कुछ नहीं चाहिए इसके थ्रू हमें गुड स्कूल्स मिलेगा देयर फॉर लर्निंग सेक में हमें थोड़ा सा चाहिए प्रेशर क्रिएट अ डिस इंटरेस्ट इन स्टडीज स्टडीज में जब प्रेशराइज्ड हो जाते हैं आप स्टडीज़ के लिए एंड एग्जामिनेशन के लिए उससे थ्रू क्या होगा एग्जॉशन आएगा जस्ट लाइक मुझे नहीं करना है स्ट्रेस आएगा प्रॉब्लम्स आएगा एंड उसके रिलेटेड जो एग्जाम्स का फियर क्रिएट होगा जस्ट लाइक मैं हेट करना स्टार्ट कर दी एग्जामिनेशन को एंड ड्यू टू दिस हमें अपने ऊपर जो इंटरेस्ट एंड फेथ है स्टडीज़ के रिलेटेड वो चला जाएगा एंड स्टडीज़ भी और पसंद नहीं आएगा ये पॉइंट है ये शॉर्ट है पूरा ठीक है आई होप आज का वीडियोस आपको समझ आया हो वीडियोस के थ्रू जो कंसेप्ट है एग्जामिनेशन का वो शॉर्टली है एंड 3 to 4 पेजेस मेंशन है एंड इट्स एनफ फॉर योर एग्जामिनेशन दैट मीन्स आपके एग्जाम के लिए बहुत एनफ है इसको करिए दैन नेक्स्ट आएगा मेजरमेंट के ऊपर वीडियो तो थैंक यू सो मच